2020 से गलवान घाटी के अंदर हुए भारत और चीन के बीच आपसी तनातनी के बाद से ही लगातार भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो और अधिक तनावपूर्ण हुए हैं। आपको बता दें कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम उपकरणों के निर्यात पर निर्भर करती है, भारत वो आयात करता है। और कहा यह जाता है कि चीन की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कंपनीज का है जो इस तरीके के उपकरणों का देश से बाहर भेजने का कार्य करती है, देश उनको अलग अलग देशों में वो बेचे जाते हैं। भारत में आपको बता दें कि इस पूरी इंडस्ट्री की, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की 45% जो हिस्सेदारी है, यानी कि भारत जो है वो आयात करता है चीन से इन तमाम चीज़ों को। लेकिन 2020 से लगाकर अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये निकल कर सामने आया है कि भारत की तरफ से अब चीन की विस्तारवादी नीति, चीन की तमाम तरीके की जो भी तनावपूर्ण रिश्ते हैं उनको जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। जी हाँ, भारत ने अपने इन 2 सालों के अंदर जो अपना आयात था चीन से होने वाला, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री और इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण थे उनको घटाया है। और चीन को आंख दिखाने वाले ताइवान के साथ आपको बता दें कि भारत ने ये जो पूरी पार्टनरशिप थी इसको बढ़ावा देने का कार्य किया है। 2 सालों के अंदर ताइवान के साथ इस तरीके की जो डीलिंग थी वो 2.3 से बढ़कर अब 9% हो गई है। और चीन से आपको बता दें कि अब ये जो पूरा आयात था वो 45% से घटकर फिलहाल 43% पर आ गया है। और कहीं ना कहीं यदि ये जो तमाम चीज़ें हैं वो उसी गति से आगे बढ़ती रही तो आने वाले दिनों के अंदर भारत के अंदर इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स की जो निर्भरता है वो चीन पर बेहद कम हो जाएगी। और फिर कहीं ना कहीं चीन को जो लोग, जो देश उस तरीके के हैं जो भारत के साथ होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं चीन से उनकी तनातनी रहती है, वहां से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में फिलहाल भारत। नेटवर्क 10 को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। जय हिंद।